दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही हैं। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने में हुई धांधली का आरोप लगाने के बाद अब दिल्ली के केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ सीडब्ल्यूजी घोटाले से जुड़े एक मामले में केस दर्ज करा सकती है। केजरीवाल सरकार ने शीला दीक्षित पर गेम्स के दौरान लाइट खरीद की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार ने मनीष सिसोदिया और उनकी तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को उस रिपोर्ट को भेजा गया है, माना तो यह जा रहा है कि अब इस मामले में केजरीवाल सरकार केस दर्ज कराने का आदेश दे सकती है। दिल्ली के शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में शीला दीक्षित का नाम भी शामिल है। शीला दीक्षित पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। रिपोर्ट में लाइट की कीमत ज्यादा बताने का भी आरोप लगाया गया है। तो शीला दीक्षित की नई मुसीबत सामने आई है, जहां एक तरफ अवैध कॉलोनियों का मामला भी है उन पर, वहीं दूसरी तरफ अब सीडब्ल्यूजी के तहत जो लाइट्स खरीदी गई थी उनमें धांधली का आरोप लगाया गया है शीला दीक्षित पर, और शीला दीक्षित का नाम इस मामले में शामिल किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने तैयार किया है। कुंदन सिंह संवाददाता डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, फिलहाल सीडब्ल्यूजी की अपने स्तर पर जांच हो रही है, लेकिन ये जो लाइट वाला मामला आया है इसमें शीला दीक्षित का नाम शामिल होना क्या सिर्फ यही कोशिश है अरविंद केजरीवाल की सरकार की? चलिए कुंदन के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें लाइट खरीद जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई थी उसमें घोटाले की बात सामने आई है, और उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। कहा जा रहा है कि जो बहुत सस्ती लाइट थी 27 या 30 रुपए की, उसे बहुत महंगी कीमतों पर दिया गया है, और ऐसे में सीधे सीधे कंपनियों को फायदा पहुंचाने में भूमिका निभाई है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने, ये उस रिपोर्ट में कहा गया है। कॉमनवेल्थ घोटाले में ये मामला सामने आया है। केजरीवाल सरकार कराएगी शीला के खिलाफ केस दर्ज, और गेम्स के दौरान लाइट खरीद में घोटाले का ये आरोप लगा है शीला दीक्षित पर। केजरीवाल सरकार ने घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट एसीबी को दी है। कुंदन सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुंदन, फिलहाल अपडेट दीजिए, जिस तरह के आदेश जांच के दिए जा सकते हैं क्या सिर्फ शीला दीक्षित के नाम को शामिल करने की बात है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की तो जांच पहले से ही की जा रही है? नहीं, बिल्कुल प्रीति, इस मामले में कॉमनवेल्थ गेम के मामले में ऑलरेडी एक शिमनुल कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें शीला दीक्षित पे कोई आरोप नहीं लगा था। बहुत सारे दूसरे अधिकारियों पर, ऑफिस बेरर से जरूर लगा था, लेकिन एक बार फिर दिल्ली सरकार अपने तरफ से कैबिनेट मीटिंग करके एंटी करप्शन ब्यूरो, जो दिल्ली सरकार के इस तरह के मामलों की जांच करता है, उसको हैंडओवर करेगा और आग्रह करेगा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाए और जो भी दोषी हो उसको उचित कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल साफ है, जिन कॉमनवेल्थ घोटाले के पूरे मामले में जो लाइटें खरीदी गई थी, खासकर स्ट्रीट साइड में और दूसरे वैनों में लगाने को लेके, उस मामले में एक केस बनाया जाएगा, और जिसपे दिल्ली सरकार का कहना था कि हमारे पास जो क्रिमिनलरी जांच है उसमें ये पाया गया है कि शीला दीक्षित के ऑफिस और उनके कार्यालय का इन्वॉल्वमेंट रहा था और गलत तरीके से बिड की गई थी और जो रेट था वो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट किया गया था। इन सभी मामलों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा, और इसके लिए दिल्ली सरकार में 12 बजे कैबिनेट है, और इसके बाद कैबिनेट इस बात पे मुहर लगाएगी और पूरे मामले की जांच का आदेश एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी जाएगी। उससे जुड़े तमाम फाइलों को भी हैंडओवर कर दिया जाएगा, और जिस तरीके से शुरू से आरोप लग रहे थे, खास करके दिल्ली की सरकार पे, कि चुनाव के दौरान उन्होंने ऐसे बहुत सारे वादे किए थे और बार बार कहा था कि कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर उनके पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन जब सरकार में आई तो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब आप पे ये दबाव होगा कि जिन सबूतों को लेकर वो चुनाव मैदान में गए थे, वाकई सबूते जांच के दौरान या आगे स्थिति में टिक पाते हैं नहीं पाते अलग सवाल है, लेकिन जरूर आप इस मामले में कोशिश करेगी कि शीला दीक्षित को इन्वॉल्व किया जाए, शीला दीक्षित पे आरोप तय कराया जाए, शीला दीक्षित को इस मामले में दोषी करार दिया जाए। अच्छा, अभी तक कुंदन हम जो देख रहे थे, लगभग 1.25 महीने हो गया है सरकार को, और बार बार इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से उठा रहे थे कि आप जो बातें, जो दम भर रहे थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ आपके पास बहुत स्ट्रांग सबूत है, एविडेंस है, वो क्यों नहीं सामने लाते हैं, तो वो जो मामले उठ रहे थे उसी का जवाब हम इसे समझे, या फिर एक स्ट्रैटेजी के तहत पहले 1984 के दंगों में एसआईटी की जांच, फिर अब कॉमनवेल्थ गेम्स में इस तरह शीला दीक्षित के नाम को उछालना या फिर शामिल करना और जांच कराने की बात, क्या फेस सेविंग की स्थिति में है इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का साझा प्रयास होगा। मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ घोटाले में अगर टोटल 75,000 करोड़ या तमाम एक फिगर सीएजी की रिपोर्ट के बाद कोर्ट किया जाता है और ऐसा पॉलिटिकली इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है, इस पूरे घोटाले में शीला दीक्षित अकेले कसूरवार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी, अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले में कोई भी जांच करते हैं और कोई दोषी पाया जाता है
तो वो कोई पार्टिकुलर टेंडर होता है। इस पूरे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसकी जांच किस स्तर तक जाती है, किस हद तक जाती है, क्या कुछ निकलता है और वाकई कुछ शीला दीक्षित इस आरोपों के घेरे में आती है। क्योंकि इससे पहले अगर दूसरी जांच की बात करें, मैं आपको बता दूं 3-4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इससे पहले सुंगलू कमेटी एक रिपोर्ट दे चुकी है जिसमें कहीं भी मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा था। सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही थी और दूसरे एजेंसीज भी एक दूसरे मामले में जांच कर रहे थे, अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं निकला है। हालांकि ये अभी रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट में क्या जांच में निकलती है, क्या वाकई जो आरोप लगते हैं वो कोर्ट में एग्जिस्ट करते हैं, एक लंबा प्रोसेस लगेगा। लेकिन जरूर इस पूरे कदम को आप आने वाले चुनाव में अभी अपने पॉलिटिकल माइलेज की कोशिश जरूर करेगी कि जो हमने चुनाव में वादा किया था वो हम लोगों के बीच में गए हैं और उन पे आरोप हमने लगाए हैं और उनके लिए उनके खिलाफ जांच के आदेश कम से कम दिए हैं। प्रीति, तो शीला पर केस दर्ज कराने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी की सरकार और इसके तहत अब आज कैबिनेट की जो मीटिंग होनी है उस पर मोहर लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन सिंह जानकारी के लिए।